मंच पर उपस्थित पटना साहिब के प्रमुख ग्रंथी भाई इकबाल सिंह जी, ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी सिदानंद सरस्वती जी, दिल्ली से पधारे हुए भाई इमाम उमेर अहमद इलियासी जी, अमेरिका से पधारे हमारे भाई साहब सतपाल सिंह जी खालसा, और कल से ही दिल्ली में हमारे साथ चलती कला टीवी के जो करोड़ों करोड़ों तक लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे आत्मीय भाई उपस्थित बंधुओं और बहनों, सबसे पहले मैं देश की आन बान और शान की रक्षा करने वाले महान सिख गुरु गोविंद सिंह जी के इस 350वें प्रकाश उत्सव पर नहीं कहना चाहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज। मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ, आप इंडिया गेट जाते हो, इंडिया गेट पे फोटो खिंचाते हो, किंतु आपको पता है इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम दर्ज है उसमें से 70% नाम जो है वो इस सख्त कम्युनिटी से है, और ये बलिदान जो है महान गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबको सिखाया। दुनिया के इतिहास के अंदर जितने युद्ध हुए और एक देश के अंदर बलिदान देने वालों में अगर भारत के इतिहास की बात करो, सिख समाज का और सिख समाज को प्रेरणा देने वाले महान गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरुदेव बहादुर सिंह जी का, गुरु नानक देव जी का, उनको हम जो है योगदान को कभी भुला नहीं सकते। मैं इस अवसर पर हमारा ये जो ग्लोबल इंटरफेथ वॉर्स अलायंस, जो सद्भावना के लिए, जो स्वच्छता के लिए, जो सैनिटेशन के लिए, जो हाइजीन के लिए, जो वाटर के प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, पूरा आदर और सम्मान प्रकट करता हूं, और यही कहना चाहता हूं, हमारे ये जो सिख समाज का गौरवशाली इतिहास है उससे सभी देशवासी समाजवासी प्रेरणा ले। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो आप सम्मान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपने आप के अंदर आपका ये सम्मान जो है ये सर्वधर्म सद्भाव का सम्मान है, ये एकता का सम्मान है, ये स्वच्छता का सम्मान है, ये सद्भावना का सम्मान है। इसी के साथ मैं इसको ग्रहण करता हूँ। ओम अरहम।